फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। आज मैं आपके लिए आलू की नहीं बल्कि मटर की सब्जी की रेसिपी पूरियों के साथ लेकर आई हूँ। सर्दी के टाइम में मटर की सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और मटर की सब्जी और पूरी का कॉम्बिनेशन भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस होता है। तो मैं आपको आज डिफरेंट तरीके से मटर की सब्जी बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए मैंने एक कप मटर के दाने पानी में भिगो के रख लिए हैं। अब मैं इसको एक सीटी आने तक कुक करूंगी बिना छोके। मैंने अपनी मटर को कुकर में डाल दिया है और उसको अब एक विसल आने तक कुक करूंगी। इसमें मैंने कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं करे हैं, यहाँ तक कि नमक को भी ऐड नहीं किया है। हम इसको प्लेन ही बॉईल करके एक सीटी आने तक कुक करेंगे। कुकर में एक सीटी आने तक मटर को कुक कर लेते हैं। इतने हमारे मटर की सब्जी कुक होती है, इतने हम अपनी पूरियों के लिए आटा तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 2 कप नॉर्मल आटा लिया है। पूरियों को खस्ता करारा बनाने के लिए हम इसमें 1/2 कप सूजी ऐड करेंगे, थोड़े से अजवाइन और 1 छोटी चम्मच नमक। अब हम इसका एक डो तैयार करेंगे। इसका डो हमारा पतला नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी पूरियां करारी नहीं बनेगी। हमारा आटा लग के तैयार है, बिल्कुल टाइट हमने डो तैयार कर लिया है। अब हम इसको 15 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। बनकर तैयार है, अब हम अपनी मटर की तैयारी करते हैं। थोड़ा सा हम इसमें रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। अब इसमें हम चुटकी भर हींग ऐड करेंगे। हींग हमारे खाने को बहुत ही ज़्यादा जल्दी डाइजेस्ट करता है। थोड़ा सा जीरा और इसमें 1 टमाटर हमने ग्रेट करके डाल दिया। अब मसाले को अच्छे से हम भून लेते हैं। अब इसमें हम 1/2 चम्मच लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी और छोटी सी चम्मच खटाई, इनको अच्छे से हम स्टर करेंगे। हमने अपनी मटर उबालने में नमक ऐड नहीं किया था, इसलिए हम इसमें 1/2 छोटी चम्मच नमक और ऐड करेंगे। मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसमें हम थोड़ी सी फ्रेश कसूरी मेथी डालेंगे और ऑयल को अलग होने तक मसालों को अच्छे से भून लेंगे। हमारी मटर में 1 सीटी आ गई है, अब हम चेक कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से हमारी मटर गल गई है। हमारा मसाला भी अच्छे से भून गया है। अब हम अपनी उबली हुई मटर को अपने मसाले में ऐड करते हैं और अपनी मटर और स्पाइसेस को अच्छे से मिला देते हैं और इसको थोड़ी देर सिम गैस पर रजने देते हैं ताकि हमारे स्पाइसेस जो है वो मटर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारा एक फ्लेवर बाहर निकल कर आए। हमारी मटर में उबाल आना स्टार्ट हो गया है। अब हम अपनी गैस की फ्लेम को सिम कर देते हैं ताकि मंदी आँच पर हमारी मटर अच्छे से मसालों में मिल जाए। हमारी मटर को इस तरीके से बनाने से उसका जो कलर है वो एज इट इज़ रहता है, नहीं तो अगर हम इकट्ठा उसको बनाएंगे, मसाले और मटर को इकट्ठा छोकेंगे तो हमारा जो कलर होता है वो ख़राब हो जाता है, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं आती है। तो एक बार आप इस तरीके से ट्राई कीजिए मटर को बनाना। यहाँ मैंने हल्दीराम की बूंदी, ये प्लेन बूंदी है, ये आपको ईजिली मार्केट में मिल जाती है, इसका यूज़ किया है अपने रायता बनाने के लिए। अपनी बूंदी हमने रायते में ऐड कर दी है। अब हम इसमें थोड़ा सा काला नमक या आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और भुना हुआ जीरा। इससे हमारे रायते का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस आता है। थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च जस्ट फॉर फ्लेवर और इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर देते हैं और रायते को एक साइड रख देते हैं ताकि हमारी बूंदी अच्छे से फूल सके। हमारे पूरियों के आटे को ढके हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब हम अपनी आटे को एक स्मूथ बैटर बना लेते हैं। हमारा सॉफ्ट डो बनकर तैयार है। अब हम इसकी छोटे छोटे पेड़ियाँ काट लेते हैं।
हमारे पेड़े बनकर तैयार है। अब हम अपनी पूरी को तल लेते हैं और अपने गरम घी के अंदर हम अपनी पूरी को डाल देते हैं। देखिए कितनी सुंदर पूरी फूली है हमारी। अब इसको हम अच्छे से सिकने देते हैं। देखिए हमारी पूरी अच्छे से सिक गई है। अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं और अपनी दूसरी पूरी को भी सिकने देते हैं। हमारी मटर पूरी की प्लेट लगकर तैयार है विद रायता एंड हरी चटनी। आप लोग इसको खाइए, खिलाइए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एक बार फिर आपके साथ मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक एंजॉय दिस मील।